वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सब देख रहे हैं सिटी 42 पर सितारों के सितारे, और आज का हमारा चमकता हुआ सितारा हयाली हमारे साथ हैं, आपी भी हमारे साथ हैं, मज़ुम खान साहब, आलिया नज़ीर और मामू भी हमारे साथ हैं। और जैसे कि आलिया हमेशा कहती हैं कि बिलाल इतना बोलता है, तो मैं सोच रहा हूँ आलिया को मौका दे देते हैं। आलिया, इट्स योर सेगमेंट। हया, आप कुछ भी पर्सनल प्रोफेशनल पूछना चाहें, कार्ड्स ये जो हैं ये आपके मसले हल कर देंगे। कुछ भी मजे का कुछ भी पूछ सकती हैं। चलें, फर्स्ट तो मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझ में एटीट्यूड नहीं आता, लाइक अ स्टार, जैसे बहुत ही सीनियर्स आर्टिस्ट हैं या जो एक दो नई लड़कियां भी आई, उन्होंने एक आधा कमर्शियल किया या लाइटली एक आधा प्ले किया, उनमें इतना एटीट्यूड आ जाता है कि वो अपने आप को हवाओं में रखती हैं, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं। बट लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बेशक सीनियर्स के साथ हूँ या किसी जूनियर के साथ या इवन कोई स्पोर्ट बॉय है, मैं उसके साथ भी बहुत फ्रेंकली बात करती हूँ। मुझ में कभी ऐसा नहीं आता। इवन मैं आप ही के पार्लर जाती हूँ, आप ही का पार्लर है, तो मैं घर में किसी टी शर्ट या ट्राउजर में होती हूँ, मैं ऐसे ही उठ के आ जाती हूँ। और बहुत सी दूसरी आर्टिस्ट आती हैं तो आप यही बताती हैं, हया वो तो इतना रेडी होके आती हैं कि वो ऑलरेडी पॉलर आ रही है। आप ही के पॉलर में जो नहीं आती ना, आपकी तो आप ही हैं, तो घर की बात। नहीं, मैं किसी भी जाऊँ, मैं किसी और भी एक्स्ट्रा पॉलर में भी जाती हूँ, तो मैं जैसे बैठी होती हूँ उस पर गाउन पहनती हूँ। मेरे ख्याल से तो रेडी होके निकल। आपका क्वेश्चन ये है कि एटीट्यूड होना आर्टिस्ट में आजकल एक उसकी वर्थ के लिए बड़ा जरूरी है, तो वो कहना चाह रही है कि क्यों नहीं है उनमें। अच्छा हया, इसमें ये है कि आपके जो कार्ड्स हैं ना, ये जाहिर करते हैं कि आप बहुत कंफर्टेबल हो, आप पैदाइशी तौर पे अपने आप को प्रिंसेस ही समझते हो। आपके लिए ये फेम या ये जो क्राउन है नया नहीं है। आपको लगता है कि आई वॉज बॉर्न विद दीज थिंग्स। आप कंफर्टेबल हो अपनी जात के साथ, क्योंकि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, अपनी जात के साथ कंफर्टेबल हो, और आपके जो अपना कार्ड सेल्फ का कार्ड आता है वो नाइन ऑफ कप्स है और उसके साथ नाइन ऑफ कॉइन्स है। ये कहते हैं कि आप अपने आप के साथ, अपने अंदर के साथ कंफर्टेबल हो, तो आपको फेक आउट करने की जरूरत नहीं मुझे है, वो फेकिंग की या उसकी जरूरत नहीं है, फेक पर्सनालिटी पसंद नहीं है मुझे, उसकी जरूरत नहीं है। और आपकी जो कंफर्ट लेवल है अपने साथ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहीं जहाँ एटीट्यूड दिखाना हो ना, फिर मैं वहाँ दिखा भी देती हूँ। लेकिन ये मुझे देखकर क्यों कह रही हूँ, वहाँ मैं दिखा भी देती हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। ये आपका जहाँ मिजाज का घर है ना, वहाँ पे ये कार्ड है कि आप बहुत ब्लास्ट भी कर जाती हो, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, ऐसे गुस्सा भी उस तरह का है, और मतलब वो भी कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। आप जैसे किसी के साथ हंस के बात करते हो ना, एज़ यू सेइंग, तो आप किसी में भी शाउट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप मीरा का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, आप कुछ भी कर सकती है। मीरा के बारे में कहते हैं, मैं आपको इंग्लिश बोलूंगी नहीं, प्लीज बोलूंगी। मैं आपको डाउन टू अर्थ कहूंगी, हम्बल नहीं कहूंगी। हम्बल या वो ह्यूमिलिटी मुझे आपके कार्ड्स में नजर नहीं है। ओह माय गॉड, आप एक बिजनेस वुमन टाइप माइंड रखती हैं, वेरी प्रोफेशनल, वेरी एक्यूरेट, और हम्बल या आजी का कहीं गुजर नहीं है आपके कार्ड में। नहीं, आप भी आप कुछ पूछना चाहेंगे हया के बारे में? मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैं इसकी शादी के बारे में पूछना चाहूंगी। शादी के बारे में क्या पूछना चाहेंगे? जिससे ये शादी करना चाहती है वहाँ शादी होगी, आप ही मरवाएंगे। ये कहीं निर्मा निर्मा की तरह ना कहते, जिस तरह निर्मा ने कहा था सलमान खान या रणबीर कपूर। गॉड सेक बिलाल, देखे जो काम नहीं, लोग बेवकूफ हैं, मैं एज इट इज, मैं इसमें कोई नहीं, कोई भी हो बेवकूफ है। आप वो बात करें जो आपकी पहुंच में हो, तो आप वो काम ना करें, बिकॉज उनका हमारा मेल इसलिए नहीं हो सकता कि सबसे पहले बात के हम यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, और ऑलरेडी उनके पास इस तरह की, जिन्होंने कहा बहुत सी है। निर्मा की एक नेकी लिखी गई क्योंकि हमने गइबत की है उनके बारे में। अच्छा, इनका ये है कि एक तो इनका काफी सीरियस इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, कमिटमेंट नजर आती है, टू दैट एक्सटेंट आपकी तरफ से कमिटमेंट है, सीरियस हैं, सिंसियर हैं, और मुझे लगता है कि जहां आप चाहती हैं वहां शादी हो जाएगी। लेकिन पहले जैसे एक झगड़ा या एक ब्रेकअप या चीज़ ख़त्म होती है, उसके बाद दोबारा नए सिरे से आपकी वहां पर शुरू हो जाएगी, दोबारा होगी, बट आफ्टर अ ब्रेकअप। उसके बाद, और दूसरा ये है कि आपकी शादी जो है या कोई भी जो रिजल्ट है, ये सितंबर तक आ जाएगा। रमजान के बाद ये ईद जो है इनके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएगी, मुझे ये लग रहा है। लेकिन आपको कैद करने की जरूरत है? अरे यार, थोड़े महीने पहले कर दूं, उसके बाद डिनर मिलने। नेक्स्ट उनकी प्रेडिक्शन जो आप लोग उनके बारे में करेंगे, वो मैं साथ लेके आऊंगी, ताकि उनके बारे में भी पता चले, उन जो आप लोग कह रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा ये पूछ लेंगे उन कौन है। अच्छा, ये जो आप की जिनके साथ हो रही है, उनकी
जैसे मैंने कहा ना कि ब्रेकअप या कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाती है, ऐसा कोई इशू है जिसकी वजह से डिले होगा, बैक में उनके प्रॉब्लम मुझे लगता है, बट आई थिंक अदरवाइज और कोई डिले नहीं। मामू ने कहा अल्लाह ना करे, बड़ी जोर से मामू खैर है आपने कहा अल्लाह ना करे, मैं उसे ब्रेकअप तो कह रहा हूँ। अच्छा आलिया, इनके लिए लकी स्टोन, लकी कलर, ये और ये बताएं ना, ये बताएं इनके लिए डायमंड क्या है? डायमंड, हाँ डायमंड पहने और राइट हैंड की जो सन की इसमें पहने, और कलर आपके लिए रेड गोल्डन। रेड बल के ना पहने क्योंकि आपको किसी भी वक्त दूसरे का अटैक हो जाता है, तो रेड उसको सेंचुएट कर देता है। गोल्डन ज्यादा पहना करो, कहीं भी आप बाहर जाओ कोई गोल्डन चेन पहन लो या गोल्डन ये पहन लो। और एक और बात जो मैं आपका टेलीस्कोप देख रही थी ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सोची थी मुअज्जम या मामू कह दें, उन्होंने नहीं कही, तो मैं कहूंगी या आप सिंगिंग करियर को भी ऑप्ट करोगे वंस एंड फॉर ऑल? सोचना चाहिए हाँ, आपके वॉइस जब मुझे गुस्सा आए कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही, वही इनके वाली बात के मेरा जो डबल माइंडेड का प्रॉब्लम है माइंड होने का, तो कभी गुस्सा आए कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी तो सिंगिंग स्टार्ट। अच्छा मैं पता क्या समझा, मैं समझा कि जब मुझे गुस्सा आता था मैं सिंगिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा कमाल हो गया, मैंने कहा इनका मियां तो बड़ा खुश रहेगा, जब भी गुस्सा दिलाया तो आप अपने मियाँ के लिए, होने वाले मियाँ के लिए लकी साबित होंगे आपकी। तो अगर आपके उन जो हैं हस्बैंड के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए या जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए लकी नहीं हूँ मैं किसी नहीं होंगी, लेकिन वो जो मियाँ के साथ हम एक और एंगल से देखते हैं ना, दूसरे सितारे जब मिलते हैं तो आप दोनों का जो सितारा है वो मिलके लकी होगा उसके लिए। अच्छा ओके, एक एक क्वेश्चन और कर सकती हूँ? अच्छा मुझे बताइए कि मैं फ्यूचर में एक मतलब कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, अभी तो एक नॉर्मल है बट लेकिन फ्यूचर में करना चाह रही हूँ कि अगर शोबिज में सेटल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा बहुत, अगर नहीं तो एक साइड बिजनेस करना चाहती हूँ लेकिन बहुत हाई लेवल पे, एक नॉर्मल बिजनेस नहीं। तो क्या कहती हैं आप उसके बारे में, क्योंकि मेरा यूरोप सेटल होने का प्लान है और मेरी अभी एफर्ट जारी है वहाँ कुछ बिजनेस करने के लिए। अच्छा हमें छोड़ के जा रही हैं आप? यहाँ कुछ फ्यूचर चांसेस कम है। अच्छा है, पहली बात तो ये है कि आपका जो मैंने टेरोस्कोप में देखा है आपका पाकिस्तान से ज्यादा बाहर का है, बाहर आप सेटल होंगी एक बात। दूसरा ये कि आप अगर एक्टिंग छोड़ देंगी तो आप सिंगिंग में आ जाएंगी, जैसे मैंने कहा आप शोबिज नहीं छोड़ेंगी, लाइमलाइट नहीं छोड़ेंगी, वन वे और अनदर आप लाइमलाइट में रहेंगी। सेकेंडली आपने बिजनेस कहा, बिजनेस आपका ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप बिजनेस वूमन टाइप आपका दिमाग है, वेरी प्रोफेशनल, वेरी डाउन टू अर्थ, तो बिजनेस तो आपने करना ही है। बिजनेस का करना चलेगा, अच्छा रहेगा वो मैं कर सकूंगी। वो अच्छा ये होता है कि जो काम आपने करना ही होता है वो आप करते हैं। कोई गाना ना सुन ले, अगर सिंगिंग का भी टेस्ट ले लेते हैं ना, आप इन्होंने पास कर दिया, ऐसे नहीं लग रहा वो इंडियन आइडल तीन जज बैठे हुए सामने ये। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सॉरी सॉरी बिलाल मैं सिंगिंग नहीं कर सकती, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हुई आप प्लीज। क्यों है सिटी 42 के जितने भी व्यूवर्स है देखने वाले वो प्रोग्राम खत्म होने से पहले कहेंगे हया को उठाए प्लीज, सॉरी। इतनी बड़ी बातें ना करो क्योंकि अभी चंदन मतलब अरसे बाद आपने गाना है, फिर हम ये चला देंगे रिकॉर्डिंग। अच्छा ये कहती थी कि मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूं। हो सकता है देखें, चले अल्लाह करे आप लोगों की दुआ कबूल हो कुछ ऐसा हो। चलिए जी, दुआएं हमेशा मांगनी चाहिए अपने दोस्तों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए और सबसे ज़्यादा अपनी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ कि कुछ अजीब सा वक्त चल रहा है और मामू सुनने में आया कि कुछ सितारों का जायचे और सितारों की सिचुएशंस और पोजीशंस चेंज हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या ये न्यूज़ है? हो रही हैं ये, इस वक्त सिचुएशन इतनी गंदी है कि आप सोचिए पिछले महीने से जा रहा है ये सैटर्न चार पांच सितारों को अपोज कर रहा है। सैटर्न लिब्रा, एरीज में मार्स, एरीज में सन, एरीज में जुपिटर, और ये वो फेस उसके सामने कर करके गुजर रहे हैं, ये भी अच्छी पोजीशन नहीं है। तो इसमें ये कि बड़े सियासतदानों के लिए, हुक्मरानों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। पहले भी एक ऐसी सिचुएशन पड़ी थी जिसमें अपने सलमान तासीर साहब की डेथ हुई थी, हमने बात भी की थी। बिल्कुल सही है, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज भी सितारों के सितारे में आप सब भी शहर लाहौर में जो भी हमें सुन रहे देख रहे हैं आप भी हमारे सितारे हैं और चमकते रहे, रोशन रहे अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। मौज़म खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हाथ की लकीरों के हवाले से बहुत खूब बताया और आपने उनकी बातों को याद रखना है और अमल करना है। और आलिया आपके लिए तो हमेशा होती हैं तालियां बिकॉज यू डिड गुड। और मामू जी कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं जब तक आप मेरे लिए बस छोड़े इनको मैंने काम कर रहा हूँ यार, वो काम कोशिश तो बड़ी कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं, सही काम तो है मुश्किल। कॉलेज में रहे कोई जादूगर है?
एनीवे ऐसी बातों में कभी कभी बिल्कुल आप भूल जाते हैं कि क्या कहना है क्या सुनना है. नुसरत अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हया के साथ आई और अच्छा लगा आपसे भी मिलकर. एंड फाइनली हया, इट वॉज वेरी वेरी फन टू हैव यू इन आवर शो. और आप जिस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, हम्बल हो जिस तरह, और बहुत बहुत अच्छी हो, बहुत ऐसे ही रहना, बी योर सेल्फ, अपने आप को बदलना, पॉजिटिव चीजों को जरूर करें, लेकिन जैसी हो ऐसी रहो, बहुत अच्छी हो. थैंक यू सो मच एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया मेरे बारे में. बाकी जब कैमरा ऑफ होगा ना फिर बहुत कुछ बोलूंगी. अच्छा जी, ओके, लॉट मोर टू गो. आप सब मेल्स और फीमेल्स अगर हमें ईमेल्स करना चाहें तो sks@city42.tv. और जाने से पहले वही बात जो मैंने शुरू में कही थी कि इंसान की ताजीम करो बात बात में, इंसान बहुत मोहतरम है कायनात में. सिटी 42 पे देखते रहिए सितारों के सितारे.